हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। डायरेक्टली हम क्वेश्चन से ही इसकी शुरुआत करेंगे और क्वेश्चनों में ही बीच में हमारे पास कुछ फार्मूलाज आएंगे, कुछ मेथड्स आएंगे। मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊंगा कौन सा मेथड कहाँ पे हमने यूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर वन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर वन में क्या है, द एज ऑफ द फादर 3 years ago वॉज 7 times द एज ऑफ हिज सन। एट प्रेजेंट द फादर एज इज 5 times दैट ऑफ हिज सन। वट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड द सन। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं, देख लेते हैं एक बार दोबारा से कि क्वेश्चन में आखिर कहा क्या गया है और हमें क्या निकालना है। ठीक है, ये बोल रहा है द एज ऑफ द फादर 3 years ago। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो फादर की एज है, जो फादर की एज है 3 साल पहले, 3 years ago, ago होता है पहले, 3 साल पहले जो फादर की एज है वो कितनी है, 7 times द एज ऑफ हिज सन, 7 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, उसकी सन की एज से 7 time ज्यादा है फादर की। ठीक है, एट प्रेजेंट द फादर एज इज 5 times दैट ऑफ हिज सन। प्रेजेंट जो एज है फादर की वो कितनी है, जो प्रेजेंट एज है फादर की वो कितनी है, 5 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, देन हमें निकालना है व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। तो हमने प्रेजेंट एजेस निकालनी है, किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड प्रेजेंट एज ऑफ द सन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बाय कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, तो दो मेथड से हम जो भी क्वेश्चंस इसमें आएंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस के बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड होगा हमारे पास कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड, और दूसरा मेथड हमारे पास होगा क्विक मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड होगा हमारे पास क्विक मेथड। तो पहले हम इस क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से करते हैं और फिर हम करेंगे इसको क्विक मेथड से। ठीक है, तो कन्वेंशनल मेथड से हम करेंगे, कन्वेंशनल मेथड से अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन की प्रेजेंट एज हमने निकालनी है, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पास्ट लिख लेना है, यहाँ पे प्रेजेंट लिख लेना है, और यहाँ पे हमने फ्यूचर लिख लेना है। ठीक है, जो भी इस तरीके के क्वेश्चन है अगर हम कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब करने के बजाय हमें यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिख लेना है। ठीक है, ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू एक्स। ठीक है, प्रेजेंट एज मान लेते हैं सन की कितनी है, एक्स है, यहाँ पे मैं सन लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं फादर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो जो प्रेजेंट एज है सन की मैं मान लेता हूँ एक्स है। ठीक है, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एट प्रेजेंट द फादर एज इज 5 times दैट ऑफ सन, सन से 5 times ज्यादा है। दैट मीन्स अगर सन की एक्स एज है प्रेजेंट एज, तो फादर की कितनी होगी, 5 times, दैट मीन्स 5 into x, 5x। ठीक है, देन द एज ऑफ द फादर 3 years ago, 3 years ago जो एज है फादर की वो कितनी है, वाज 7 times द एज ऑफ हिज सन। 3 years ago दैट मीन्स पास्ट। ठीक है, 3 years ago हो गया x-3। ठीक है, और यहाँ पे फादर का आ गया हमारे पास, फादर की एज आ गई, फादर की जो यहाँ पे फादर की एज यहाँ पे हम देखें तो वो कितनी होगी, 5x-3। ठीक है, अगर सन की प्रेजेंट एज एक्स है तो 3 साल पहले सन की कितनी एज होगी, x-3, और फादर की अगर प्रेजेंट एज 5x है
3s पहले कितनी होगी, 5x माइनस 3, ठीक है। तो माइनस 3 इन दोनों में हमें क्यों किया, क्योंकि ये हमें बोल रहा है कि जो फादर की एज है 3 साल पहले, 3 साल पहले दैट मीन्स जो ये एक्स है इसमें से 3 साल हमने निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पे भी 5x में से हमने 3 साल निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर का काम ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक पोर्शन। नेक्स्ट है इसमें, द एज ऑफ फादर 3 इयर्स अगो वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 3 साल पहले जो फादर की एज है वो कितनी है, वो है हमारे पास 7 टाइम्स द एज ऑफ सन। दैट मीन्स 7 टाइम्स द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन कितनी है पास्ट में, एक्स माइनस 3, ठीक है। ये आगे हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में बताया वो हमने लिखा, द एज ऑफ द फादर 3 इयर्स अगो वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, ये आगे सन की एज, ये किसके बराबर है हमारे पास, 5x-3। 5x-3 क्यों लिखा, क्योंकि जो पास्ट की एज है फादर की वो इसके बराबर है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ गई, दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन आई हमारे पास, अब हमने इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे दैट मीन्स हमारे पास एज निकल जाएगी, प्रेजेंट एज निकल जाएगी किसकी, सन की, और यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट एज फादर की भी निकल जाएगी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 3 से भी, 7 × x दैट मीन्स 7x माइनस 7 × 3 21 इक्वल टू 5x-3, ठीक है। फर्दर एम्प्लाइज दैट इसको हम सॉल्व करें अगेन, तो इसको हम पीछे ले आएंगे, एक्स वाली टर्म्स को हम एक साइड रखेंगे, 7x-5x, ठीक है। ये प्लस में था, ये पीछे आके माइनस हो गया, ये आगे चले जाएगा, ये यहाँ पे माइनस में आगे जाकर ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन ये बन जाएगा -3 + 21, ठीक है। फर्दर एम्प्लाइज दैट 7x-5x ये हो गया हमारे पास 2x इक्वल टू 18, ठीक है। 21-3 18, ठीक है। फर्दर एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9, 9 इयर्स, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 9, दैट मीन 9 इयर्स, ठीक है। जो हमारे पास सन की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 9 इयर्स। तो अगर फादर की निकालनी है तो यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू रखेंगे इसकी, देयरफॉर हम ऐसे लिख भी सकते हैं, सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 9 इयर्स, ठीक है। और फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 5x, 5x दैट मीन्स 5 × x, 5 × x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9, दैट मीन्स 45 इयर्स। तो हमारे पास सन जो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आई, 45 इयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये दो आंसर है, एक ये आ गया 9 इयर्स, एक ये आ गया 45 इयर्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया होगा तो ऑप्शन में हमारे पास 9 और 45 इयर्स ऑप्शन में दिया होगा, हमने क्या करना है, खाली ऑप्शन को टिक करना है, वही हमारा आंसर होगा। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू। इसी क्वेश्चन को हम करते हैं क्विक मेथड से, तो क्विक मेथड से कैसे करेंगे, दैट मीन्स हम यहाँ पे फार्मूला से करेंगे इस क्वेश्चन को जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा। तो फार्मूला से अगर हमने सन की एज निकालनी है वो कितनी होगी, फादर की एज निकालनी है वो कितनी होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे है सोल्यूशन, अगर हम लिखें जो सन की एज होगी, सन की एज होगी 3 × 7-1/7-5 इक्वल टू 9 इयर्स, ठीक है। और फादर की एज हमारे पास यहाँ पे होगी, फादर्स एज, फादर की कौन सी एज, प्रेजेंट एज, तो वो होगी 9 × 5 इक्वल टू 45 इयर्स, ठीक है। तो ये हमने कैसे लिखा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये हमें रिमेम्बर कैसे करना है, इसका फार्मूला है रिमेम्बर करने का, अगर आपको फार्मूला याद रहे तो आप उससे कर सकते हैं,
ना तो फिर अगर आपको फार्मूला याद ना रहेगा तो आप इसको जो मैंने पीछे मेथड बताया कन्वेंशनल मेथड, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो फार्मूला बताऊंगा इसके बाद मैं आगे दो तीन क्वेश्चन और करूंगा, उसमें दो तीन फार्मूले और बताऊंगा, उसके बाद मैं एक साथ ही सारे फार्मूलाज को बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इसको रिमेम्बर करने का तरीका क्या है, हमारे पास है T1 years earlier, T1 years earlier, क्योंकि हमें बता रहा है कि जो पास्ट की एज निकालने के लिए पास्ट की एज हमें यहाँ पे दी है, दैट मीन्स T1 years earlier। ठीक है, फादर एज वाज एक्स टाइम्स, फादर की जो एज है वो कितनी है, एक्स टाइम्स है दैट ऑफ हिज सन एट प्रेजेंट। प्रेजेंट की बात करें, द फादर एज इज वाई टाइम्स, फादर एज कितनी है, फादर की वाई टाइम्स है दैट ऑफ हिज सन। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एजेस, द प्रेजेंट एजेस हम निकालेंगे सन की और फादर की, तो उसका जो फार्मूला है वो है हमारे पास सन्स एज इक्वल टू T1 x-1 डिवाइडेड बाय x-y। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है। T1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, T1 है हमारे पास अर्ली एज, ठीक है, जो पास्ट की एज है फादर की वो, ठीक है, और एक्स क्या है, एक्स टाइम्स, ठीक है, एक्स है एक्स टाइम्स, ठीक है, और वाई है हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, वाई है प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है। बाद में मैं ये फार्मूला, ये एक दो फार्मूला और करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये जो फार्मूलाज हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनको हम कैसे करते हैं, वो मैं सारा बता दूंगा। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।